नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं मेरे सुंदर फर्न प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ। मैंने ये गार्डनिंग प्लॉट में लगाया है और उसमें से मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स भी फर्न का बनाया है। फर्न्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। जो मेरे पास है वो बॉस्टन फर्न या स्वॉर्ड फर्न की वेराइटी है। ये एक सुंदर दिखने वाला प्लांट है जो एयर प्योरीफायर भी करता है और उसके आसपास ह्यूमिडिटी मींस नमी को बनाए रखता है। उसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है। मैं इसमें से एक इंडोर प्लांट तैयार कर रही हूँ। इसके रूट्स है बहुत ऊपर ऊपर रहते हैं तो इजीली हाथ से भी निकल जाते हैं। देखो, ये थोड़ा हाथ से खुदाई करने से भी निकल गया है। इसको मैं इंडोर प्लांट मेरे पॉट में बना रही हूँ। इसके लिए मिट्टी थोड़ी चिकनी ना हो और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थोड़ा डाल के, जिसके कारण उसमें नमी बनाए रहे, ऐसा मैं ले रही हूँ। आप मेरी चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा फ़ोन ये बहुत लेंथ में बड़ा है, इसलिए पोर्ट भी मैंने ऐसा लिया है ताकि वो नीचे डल ना जाए। अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि ज़मीन में लगाने से अपने रूट की मदद से आसपास ये कैसे फैल जाता है। हमारे गार्डनिंग प्लॉट से बाहर फैल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। उसे थोड़े थोड़े समय में निकाल के देखना पड़ता है और उसकी अच्छी केयर करने से उस 2 मीटर तक की हाइट का फर्न मेरा हो गया है। मैं उसमें डेली पानी डालती हूँ। उसकी सॉइल भी अच्छी है, चिपकने वाली नहीं है। ये शेड में मैंने लगाया है, उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। ये एयर भी प्योरीफाई करता है और आसपास नमी भी बनाए रखता है और ये बहुत ही ग्रीन पूरे साल मेरा गार्डन इसके कारण लगता है। ये उसकी छोटी छोटी नई शूट्स है और ये उसका पुराना जब पौधा हो जाता है तो उसके पीछे ऐसा स्पोर्स हो जाते हैं, मीन्स उसके सीड्स है। ये फर्न में फ्लावरिंग नहीं होता पर पूरे साल ये ग्रीन हमारा गार्डन या पॉट रहता है। अगर आप चाहो तो ये लगा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।